से भगवान। आंख फूट गई है क्या तुम्हारी? दिख नहीं रहा, फेसबुक चला रही हूँ। ठीक है ठीक है, जा मेरे वास्ते एक कप चाय बना ले। ले आऊं? साड़ी कुतिया की पूंछ तू ना सुधरेगी। तुम चुप हो जाओ और मुझे क्यों गालियां दे रहे हो? ईसा के कर दिया मैंने? अच्छा तने बेरा कोनी, तने के कर दिया? किस तांत्रिक दा बना के लिया ये ताबीज मने बस में करने वास्ते? ताबीज? कौन सा ताबीज? क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ? यार साड़ी यूं ना मानेगी, इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। अब पीने क्यों पीट रहा है? अरे सुखराम तने बेरा कोनी, या किसी बाप बेटा मेरे खातर तबीज बना के लाई है मने बस में करने वास्ते? भाभी मेरा भाई ठीक कर से? यो एक नंबर का झूठा से झूठ बोलने लाग रहे से। मैं झूठ बोलने आया हूँ? मैंने कोई ताबीज कोनी बनवाया। राम जादी यो केस है। अरे राम किस गवार से पाला पड़ गया? यो टी बैग से टी बैग। टी बैग है? चल पप्पू खड़ा हो इधर आ, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। पूछो मैडम जी। जिस इंसान को सुनता ना हो उसे आप क्या कहेंगे? मैडम जी साढ़े को कुछ भी कह दो, उसको सुनता तो है नहीं। बकवास मत करो। अच्छा गोलू अगला प्रश्न तुम बताओ। हाँ? भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? गोलू मैंने कुछ पूछा है तुमसे कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? गोलू मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चुप क्यों? चलो बताओ भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? मैडम जी ये गोलियां तो पागल है, कहो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं। बस तुम रहने दो। गोलू जल्दी से बताओ कि भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? मैडम जी ये गोलियां तो निघट्टू है, इसे कुछ नहीं आता, आप बोलो तो इस प्रश्न का जवाब मैं दूं। डाल्टा घी के डब्बे जैसे मुंह वाले, इतना कह रहा है तो चल तू जवाब दे, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस प्रश्न का गलत जवाब दिया तो तुझे मुर्गा बनाऊंगी। मैडम जी क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? भारत में बारिश सबसे ज्यादा कहाँ गिरती है? जमीन पर मैडम जी। नलायक ये बता मैं तेरे कहाँ मारूं? चल चुप तो रह यहाँ पे। बोलो अगले प्रश्न का जवाब दो। रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों बनाई जाती है? गोलू मैंने तुमसे सवाल पूछा है कि रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों बनाई जाती है? मैडम जी ये गोलू एक नंबर का निकट्टू आवारा है, पागल है, इसको कुछ नहीं आता,
आप कहो तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूं। चल तू ही बता। मैडम जी क्वेश्चन फिर से रिपीट करो। रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों बनाई जाती है? रेलवे लाइन के पास फाटक क्यों बनाई जाती है? मैडम जी इसलिए बनाई जाती है कि कहीं रेल शहर में ना घुस जाए। अरे जान सिर्फ 4-5 दिन रुक जाओ बस। जानू तुम भी ना, 4-5 दिन में क्या हो जाएगा? अरे रामदेव बाबा की मार्केट में सिम आने वाली है। रामदेव बाबा की? पर उसका क्या फायदा? अरे उसके बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। जैसे कि उसमें डाटा के साथ आटा फ्री मिलेगा। क्या बस तुम तो रहने दो, तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। एक बात बताऊं, जब बादल गरजते है ना तो तुम्हारी याद आती है, और जब सावन आता है तो भी तुम्हारी याद आती है, बारिश की बूंदों में भी तुम्हारी याद आती है। बस बस मैं समझ गया, तेरी छतरी मेरे पास है, लौटा दूंगा मरे मत। सुना है कि आपकी मुस्कान पर हर कोई मर जाता है। ये तो बिल्कुल सही सुना है तूने, बिल्कुल सच है ये बात। तो तुम ऐसा करना, कल हमारे घर आना। घर किस लिए? साला एक चूहा कई दिनों से परेशान कर रहा है। छी छी वो देखो सामने। क्या हुआ? क्या जमाना आ गया है। अरे हुआ क्या? वो देखो ना, एक लड़का दूसरे लड़के को फ्लाइंग किस कर रहा है। एक गवार कहीं की, वो एक दूसरे से बीड़ी मांग रहे हैं। है? वैसे एक बात बताओ, आजकल तुम काम क्या करती हो? मैं दुल्हने तैयार करती हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर है। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं भी तो दूल्हे तैयार करता हूँ। आपका भी ब्यूटी पार्लर है? अरे नहीं, मेरी तो शाही दवा खाने की दुकान है। हाँ? बेटा मटरू, रात बहुत होगी और तू जागे और बिट्टू का सागे सो जा, बैठा एसी लाग रहे हुए और तेरो इतनी रात ने गले जानो ठीक हो नहीं बेटा मटरू। अंकल जी मैं नहीं रात ने मारे गरे तो कौन जाऊंगा, पण नहीं एसी में मेरे छींक आवे, मैं तो अठी माचा पर ही सो जाऊंगा। ठीक है? चंगा बेटा मटरू, जिया तेरी मर्जी, सो जा तेरे माचा पर ही, मैं चालू बेटा। टिपो टिपो जाओ। सुनो जी उठ जाओ, सुबह हो गई है, चाय पी लो। ये कौन हो जी घर में और थारो नाम के है? मारो नाम है बिट्टू। थे कौन हो जी, थारो काई नाम है? मेरो नाम है जी उल्लू को पट्ठो। सुनो जी थे मने एक नई साड़ी तो दिला दो। पर तेरी अलमारी तो साड़ियों भरी पड़ी है, फिर नई क्यों मांगे तू? वो काई है के मारी सगली साड़ियां ने इन मोहल्ला वाला देख चुका है, एर वास्ते। ले बावली फिर इया क्यों करा आपा साड़ियां छोड़ मोलो ही चेंज कर लिया।
तो तब पड़ोसरी लुगाई भरी तो तूने सब यात्रा में क्यों को नहीं गया के मुंह छू जाऊं बन बोमले तो आपगी तीन लुगाईयां गी सब यात्रा में मने बुलायो और मैं बने आज तई एक बार भी कौन बुलायो शबनम लगती है कभी चिंगा। हेलो जानू, कल ना मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। उफ, चलो डार्लिंग कोई बात नहीं, मैं जो तुम्हारे लिए गिफ्ट में एप्पल का फोन लेके आया था वो मैं किसी और को दे देता हूँ। अरे जानू, मेरा मतलब है कि मैं कल मिलने नहीं आ सकती, पर तुम अभी कहाँ हो? अरे वही जिस होटल में मिला करते हैं। ठीक है, मैं भी 5 मिनट में आती हूँ। ओके ओके, मैं वेट करूंगा। जानू कैसे हो तुम, क्या हुआ, नाराज हो? वैसे तुम कल क्यों नहीं आ सकती? जानू समझा करो ना, मेरी भी कोई मजबूरी है। चलो ठीक है, एक बात बताओ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। हाँ हाँ पूछो जानू, सच बोलूंगी तुम्हारी कसम। क्या मैं वो पहला लड़का हूँ जिसे तुमने प्यार किया है? हाँ जानू, पर ये बात सब लड़के क्यों पूछते हैं? चलो ये मजाक छोड़ो, तुम मुझे कोई ऐसी बात कहो कि मैं खुश भी हो जाऊं और नाराज भी। आए लव यू, मेरी जान, आई लव यू टू। रुको 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 रुको, अभी मेरी पूरी बात तो होने दो। आई लव यू भैया।